नमस्कार, 100 खबरों साथे हूं छु अंकुर। समाचार की शुरुआत करिए। दिल्ली में अग्निकांड केस में बिल्डिंग ना मालिक रेहान की धरपकड़। आईपीसी की कलम 304 हेठ फरियाद दाखिल। दिल्ली पुलिस रेहान की पूछपरछ शुरू करी। दिल्ली ना फिल्मिस्तान विस्तार में अनाज गोडाउन में आग। 43 लोग मौत, 50 की वु लोग रेस्क्यू। आग लागू कारण अकबंद। दिल्ली ना फिल्मिस्तान में आग लगता 43 लोगों मौत। एनडीआरएफ की टीमें लोगों ने बाहर काढ़वा कामगिरी हाथ धरी। एफएसएल की टीम पर तपास में जोड़ाई। केमिकल ना कारण आग लागी होवानी आशंका। फायर विभाग की एनओसी वगर चाली रही थी फेक्टरी। बिल्डिंग में आग ने काबू में करवा माटे नहती कोई व्यवस्था। मोटा भागना लोगों मौत त्रीजा माले श्वास रूंधावा ने कारण थयु। दिल्ली सरकार मृतकों परिवारजनों की बाहरे। दुर्घटना में जीव गुमावनारा मृतकों परिवार ने 10-10 लाख रूपया की सहाय तो घायलों ने 1-1 लाख उपरांत मफत में सारवार की जाहरात। दिल्ली अग्निकांड पर प्रधानमंत्री मोदी की सहाय की जाहरात। मृतक परिवारजनों ने 2 लाख और इजाग्रस्तों ने 50,000 की सहाय की करी जाहरात। दिल्ली अग्निकांड में मृतक परिवारजनों ने कराई सहाय की जाहरात। बिहार मृतकों माटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमारे करी सहाय की जाहरात। मृतक परिवारजन ने अपाशे 2 लाख की सहाय। दिल्ली में आग की घटना बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की अध्यक्षता में बैठक। सीएम अरविंद केजरीवाल, इमरान हुसैन, सत्येंद्र जैन और भाजप प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी रहा उपस्थित। अग्निकांड मामले दिल्ली सरकारे आप तपास आदेश। 7 दिवस में मांगो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाले कहूं कि आगन कारण हजू सुधी जायु नहीं। अमे मेजिस्ट्रेट ने आप तपास आदेश। दोषितों विरुद्ध कड़क कार्यवाही की आपी खातरी। तो अग्निकांड पर बोलिया आपना सांसद संजय सिंह। कहूं कि घर में गैरकायदे फैक्टरी चलती थी तो केम बंद न करी। एमसीडीए फैक्टरी ने केम सील न करी। फायर विभागे स्पष्टता करी है कि फैक्टरी ने कोई एनओसी अपायू नहोतुं। लोकनायक हॉस्पिटल डायरेक्टर निवेदन। कहूं धुमाड़ा ने कारण मोटा भागना लोगों मौत थया। साथ ज स्पष्टता करी कि जे लोग घायल थे हालत नहीं बहु गंभीर। दिल्ली में फिल्मिस्तान विस्तार की आग में 11 जीव बचावनार की तस्वीर आई सामने। फायरमैन राजीव शुक्लाए 11 लोगों बचाव्या जीव। हाड़का में इजा होवा छता छेल्ले सुधी कर्यु काम। मंत्री सत्येंद्र जैने ट्वीट करी आपी माहिती। दिल्ली अनाजना गोडाउन में आग मुद्दे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदे व्यक्त कर्यु दुख। मृतकों परिवार प्रत्ये व्यक्त करी संवेदना। आग में अनेक लोगों थे मौत। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व्यक्त कर्यु दुख। कहूं कि घटना बहु भयानक है। पोताना प्रियजनों ने गुमावनारा परिवार प्रत्ये व्यक्त करू छू संवेदना। इजाग्रस्तों जल्दी साजा थाय तेवी प्रार्थना। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहे पण घटना मुद्दे व्यक्त कर्यु दुख। कहूं कि पोताना लोकोने गुमावनारा परिवार प्रत्ये संवेदना व्यक्त करू छू। इजाग्रस्तों जल्दी स्वस्थ थाय तेवी प्रार्थना। तंत्र ने दरेक संभव मदद करवा आपी छे सूचना। राहुल गांधीए पण ट्वीट करीने व्यक्त कर्यु दुख। राहुल गांधीए कहूं कि अनेक लोकोना मौत और घायल थयाना समाचारथी दुखी छू। मृतकोना परिवार प्रत्ये व्यक्त करू छू संवेदना। इजाग्रस्तोना जल्दी स्वस्थ थवानी करू छू कामना। दिल्ली भाजप अध्यक्ष मनोज तिवारी व्यक्त कर्यु दुख। पार्टी तरफ थी मृतकों परिवारजनों ने 5-5 लाख और इजाग्रस्तों ने 25,000 की सहाय की जाहरात। कहूं घटना बहु दुखद। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीड़ितों की मदद करने की अपील। दिल्ली अग्निकांड में घायल थे लोगों की मुलाकाते पहुंचा केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। एलएनजेपी हॉस्पिटल में सारवार लई रहे इजाग्रस्तों पूछा खबर अंतर। तो दिल्ली में भीषण आग लगता 43 जेटला लोगों ने मौत। भाजप नेता विजय गोयल घटनास्थले पहुंचा। विजय गोयले कहूं कि दिल्ली सरकारे पोतानी जवाबदारी निभावी जोईए। आ काम दिल्ली सरकार नू। दिल्ली में आग की घटना पर बोलिया भाजपा सांसद गौतम गंभीर। कहूं कि आ अंगे राजकारण न रमावू जोईए पण योग्य तपास थवी जोईए। कोई के तो जवाबदारी लेवी पड़शे। सूरतना तक्षशिला अग्निकांड मुद्दे सूरत कोर्टे आप्या तपासना आदेश। 3 पूर्व कमिश्नर सहित कुल 36 लोगों सामे थशे तपास। 10 फेब्रुआरी 2020 सुधी में रिपोर्ट सौंपवा आदेश। उन्नाव गैंगरेप केस में सौथी मोटो खुलासो। वकील पण पीड़िता नु करतो हतो शोषण। साथे केस परत लेवानु करतो हतो दबाण। वकीले पीड़िता ने 2 लाख रूपया की लालच आपी हती तेमज पीड़िता ने अश्लील मैसेज करतो हतो। उन्नाव कांड की पीड़िता मृतदेह ने दफनावायो। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करी पीड़िता मृतदेह ने दफनावायो। स्वामी प्रसाद मौर्य और मंत्री कमल रानी वरुण अंतिम संस्कार में रहा उपस्थित।
उन्नाव गैंगरेप पीड़िता अंतिम संस्कार कमिश्नर साथे बातचीत बाद पीड़िता परिवार अंतिम संस्कार माटे थयो सहमत अगाऊ परिवारे सीएम योगी ने बुलावानी करी हती बात। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल सतत पांचवा दिवसे धरना यथावत मेडिकल तपास में 3 किलो वजन थयु ओछू डॉक्टरों कहूं कि तेमनी तबियत बगड़ी रही है। उन्नाव पीड़िता मौत पर स्वाति मालीवाले व्यक्त कर दुख कहूं कि दोषितों ने एक महीना में फांसी की सजा मिली जी सरकार असंवेदनशील से पीड़िताओं की आवाज तमने संभाती नहीं सरकार पर शर्मिंदा है। निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामलों दोषी विनय शर्मा की दया अरजी राष्ट्रपति पास पहुंची तिहाड़ जेल प्रशासने फांसी की तैयारी करी शुरू अरजी रद्द थता कोर्ट पास डेथ वॉरंट ले फांसी आप रस्त थे साफ। निर्भया माता पिताए राष्ट्रपति ने पत्र लिखी करी अपील दोषी विनय शर्मा की दया अरजी न स्वीकार करी मांग कहूं कि आवा दया अरजी स्वीकार न जोइए आवा हेवानों ने समाज में खुला न छोड़ी शकाय। त्रिपुरा में सगीरा साथे सामूहिक दुष्कर्म आरोपीए माता साथे मळीने सगीरा ने जीवता सळगावी बॉयफ्रेंडे मित्रों साथे मळीने अपहरण करीने आचर्यु दुष्कर्म 90% सळगी जता सगीरानुं मौत। ओडिशा में प्रिंसिपलना पतिए विद्यार्थिनी साथे आचर्यु दुष्कर्म विद्यार्थिनी गर्भवती होवानो मेडिकल तपास में खुलासो पुलिसे प्रिंसिपलना पति राजेन्द्र नाथ की करी धरपकड़ तो आरोपीए पूछपरछ दरमियान दुष्कर्म कर्यानी करी कबूलात। पीलीभीत में कार सवार युवकों स्कूल ने विद्यार्थिनी अपहरण कर दुष्कर्म कर प्रयास बे बाइक सवारों कार नो पीछो कर विद्यार्थिनी ने बचावी छेल्ला घणा समय थी परेशान करता होवानी माताए नोंधावी फरियाद। देश में वधी रहेली दुष्कर्म की घटना पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडूए व्यक्त करी चिंता कहूं कि भारत में दीकरीओं ने मां और बहन मानवामां आवे छे पण हमणा देश में जे घटनाओं बनी रही है ते आपणा माटे शर्मसार अने पड़कारजनक छे। वधुमां वेंकैया नायडूए कहूं कि नव कायदो बनावाथी कोई उकेल नहीं आवतो अमे निर्भया पर बिल लईने आव्या पण शुं थयुं शुं समस्यानुं समाधान थई गयुं आवी घटनाथी देश थई रह्यो छे बदनाम। तो वेंकैया नायडूए राहुल गांधी ने पण जवाब आप्यो कोई कहूं कि भारत रेप कैपिटल छे पण आपणे देशनुं अपमान न करवुं जोईए अत्याचार साथे जोडायेला आवा मुद्दा पर राजकारण न करवुं जोईए। सोनिया गांधी आ वर्षे नहीं मनावे पोतानो जन्मदिवस महिलाओं पर वधता गुनाओं ने लेने आ वर्षे पोतानो जन्मदिवस नहीं मनावे सोमवारे सोनिया गांधी 73 वर्षना थशे। दुष्कर्म की घटना पर बोलिया सुब्रमण्यम स्वामी कहूं कि भ्रष्ट नेताओं संरक्षण कारण रेप की घटनाओं बने से आरोपी नेताओं पर पण एक्शन लेवा जोईए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अमदावाद की मुलाकाते राहुल गांधी रेप वाला निवेदन पर प्रतिक्रिया कहूं कि सेंसिटिव मुद्दा पर राजकारण न थवू जोईए दुष्कर्म की घटनाओं पर पुलिस कार्यवाही करी रही है। दुष्कर्म मुद्दे बोलिया भाजपा नेता संजय जोशी कहूं कि दुष्कर्म मामलाओं में झड़पी कार्यवाही जरूरी कोर्ट में झड़पी निर्णय थवा जोईए अपना देश में कायदाकीय कार्यवाही लांबी है समय वीत्या बाद न्याय मिले। राज्य में बनेली दुष्कर्म की घटना पर बोलिया सीएम रूपाणी कहूं कि त्रणेय घटनाओं में दोषितों ने नहीं छोड़वामां आवे आरोपियों ने फांसी और आजीवन कैद की सजा थाय तेना प्रयास फास्ट ट्रेक कोर्ट में केस चलावीशू। वडोदरा में सगीरा पर दुष्कर्म आचरनार बे आरोपी झड़पाया अमदावाद क्राइम ब्रांचे स्केचना आधारे आरोपी की करी धरपकड़। वडोदरा दुष्कर्म केसना आरोपी ना नाम आव्या सामे किशन अने जशा नामना आरोपी की धरपकड़ टेक्निकल सर्वेलंस अने डंप डेटा ना आधारे कराई धरपकड़ आरोपी राजकोट अने आणंदना रहेवासी। वडोदरा दुष्कर्म केसना आरोपी झड़पाई जता लोकोए करी उजवणी वडोदरा में लोकोए फटाकड़ा फोड़ीने करी उजवणी वडोदरानी सगीरा साथे नवलखी मैदान में थयुं हतुं दुष्कर्म। भावनगर पालीताणाना ग्राम्य विस्तार में दुष्कर्म में संडोवायेला 3 आरोपी की धरपकड़ केस में संडोवायेली महिला हजू फरार 12 वर्षीय सगीरा पर दुष्कर्म आचर्यानो आरोप। भावनगरना पालीताणा में बाळकी साथे वारंवार दुष्कर्म एक वर्ष दरमियान घेननी गोली पीवड़ावीने अलग अलग शख्सोए दुष्कर्म आचर्यानो आक्षेप दुष्कर्म कांड में महिला पण सामेल होवानो आरोप। अमदावाद शहर कांग्रेसना माळखा में फेरफार कर्या बाद हवे अन्य शहरना माळखा में कराशे फेरफार कांग्रेस महानगरपालिकाओना संगठन में फेरफार कराशे अमदावाद सूरत अने वडोदराना संगठन में फेरफार कराशे।
मनपाना संगठन की समीक्षा बाद माळखा में बदलाव कराशे। जे सभ्य निष्क्रिय हशे तेमनी बादबाकी करी नानू माळखू तैयार कराशे। गांधीनगर सिवाय तमाम मनपाना माळखा बदलाशे। जान्युआरी महीना सुधी में केटलाक जिल्ला प्रमुख पण बदलाशे। सोमवारथी गुजरात विधानसभा सत्र की शुरुआत थशे। विधानसभा सत्र हंगामेदार बनवाना अणसार। सत्र दरमियान सरकार ने घेरवानी कांग्रेसे बनावी रणनीति। बिन सचिवालय की परीक्षा सहित प्रश्नों ने लेने कांग्रेस द्वारा युवाओं ने साथ लेने विरोध कराशे। परीक्षार्थी और कांग्रेस कार्यक्रमों मिली विधानसभा घेराव कराशे तो परीक्षा रद्द करने रजूआत कराशे। बिन सचिवालय क्लार्क की परीक्षा मामले पूर्व मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला सरकार पर प्रहार। कहूं कि कोईपण उम्मीदवार ने नौकरी न आपवी पड़े ते माटे सरकार द्वारा करावाई छे काम। भाजपना शासन थी खुश नहीं तो लोकोने सरकार ने बदलवी जोईए। बिन सचिवालय की परीक्षा में गैररीति मामलो। आंदोलन नेता हार्दिक प्रजापति विद्यार्थी वच्चे की कथित क्लिप वायरल। हार्दिके कहूं कि युवराज सिंह आंदोलन में निकलिया तो कई कारण हशे। हार्दिक प्रजापतिए कहूं कि तमने खबर नहीं युवराज सिंह कई परिस्थिति में छे। अमे पुरावा आपी दीधा छे। पॉजिटिव तपास थशे। अमे तमने आंदोलन माटे नहोता बोलाव्या। वीटीवीए वायरल ऑडियो क्लिप नी नथी करतू पुष्टि। बिन सचिवालय क्लार्क की परीक्षा में गैररीति ने मामले परीक्षार्थियों आंदोलन पड़ू नबड़ू। आंदोलन स्थल पर 10 जेटला उम्मीदवारों हाजर। उम्मीदवारों डीवायएसओ की परीक्षा आपवा गया होवानुं अनुमान। राज्य में डीवायएसओ की भर्ती परीक्षा पूर्ण शांतिपूर्ण माहौल में। परीक्षार्थीए आपी परीक्षा। 225 जगह 2,48,000 विद्यार्थीए फॉर्म भरया था। राज्यभर में योजायेली डीवायएसओ की परीक्षा अंगे परीक्षार्थीओं निवेदन। कहूं कि पेपर खूब लांबू। जीपीएससी द्वारा खूब ज अघरा सवाल पूछवामां। अमदावाद में खोटा रेशन कार्ड द्वारा अनाज मेळववानुं कौभांड आव्युं सामे। बनावटी फिंगरप्रिंटना आधारे अनाज मेळववानुं कौभांड। साइबर क्राइमे 3 आरोपीओनी करी धरपकड़। 25,000 वधु रबरनी चिप्स बनावी होवानो खुलासो। पालनपुर भाजपना पूर्व धारासभ्य गोविंद प्रजापति सामे फरियाद। प्लॉट पर गैरकायदेसर कब्जो करवा मामले फरियाद। पीड़ित महिलाएं धारासभ्य ने अन्य शख्स सामे करी फरियाद। मानव भक्षी दीपड़ा मामले सीएम रूपाणी निवेदन। कहूं कि बगसरा में जे घटना बनी ते दुखदायी। मानव भक्षी दीपड़ा माटे 50 लोगों की टीम कामे लागी। भविष्य में अभी कोई घटना न बने तेवी कामगीरी। राजूलाना चांच बंदर विस्तार में दीपड़ा हटावा सरपंच की मांग। दीपड़ा गाम में राष्ट्रीय पक्षी मोर शिकार करता होवानो दावो। वारंवार वन विभाग ने रजूआत करवा छता कार्यवाही न थती होवानो आक्षेप। अमरेली में दीपड़ा मानव पर हुमला यथावत। मोड़ी रात्रे वधु एक महिला पर दीपड़ा हुमलो। महिला गंभीर रीते इजाग्रस्त। इजाग्रस्त महिला ने सारवार माटे लई जवाई। राज्यमां मानवभक्षी दीपड़ानो आतंक। दीपड़ाने पकड़वा वन विभागना 200 कर्मीओए सीम विस्तारमां कर्युं सर्च। जो कि दीपड़ा खुला विस्तारमां सामे न आवता मुश्केली। सर्च दरमियान ठेर ठेर मुकाया पांजरा। गीर पंथकमां कुल 1200 दीपड़ा होवानुं अनुमान। एक वर्षमां गीरमां कुल 100 हुमला नोंधाया तो एक वर्षमां दीपड़ाना हुमलामां 15 लोकोना मौत। धारी अमरेलीमांथी 290 जेटला दीपड़ा झड़पाया। जखो पास दरिया में मछीमारी करने गये बोट डूबी। ओखानी बोट जखो विस्तार में डूबी। बोट में 6 जेटला खलासी डूबिया होवानी आशंका। भावनगर अखवाड़ा गामे दारू वेचाता तो होवाना लाग्या पोस्टर। गामना प्रवेश द्वार पर लागेला पोस्टर में लख्यू अहीं देशी दारू मळे छे। दारू पीवो 6 महीना में रेशन कार्ड में नाम कढ़ाओ। अमदावादमां 12 बाळ मजूरो ने मुक्त करावाया। वटवा जीआईडीसी पोलीस अने बाळ सुरक्षा एकमे दरोड़ा करीने उमिया सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड नामनी कंपनीमांथी बाळ मजूरो ने मुक्त कराव्या। फेक्टरीना संचालक सामे नोंधाई फरियाद। छोटाउदेपुरना बोडेली नायब मामलतदार अने स्टेम्प वेन्डरनी बबाल। नायब मामलतदारे गुस्सामां आवी उठाव्यो दंडो। दंडो बताविने स्टेम्प वेन्डरने ऑफिसमांथी बहार निकळवा कह्युं। 2 दिवस पहेलानी घटनानो वीडियो वायरल। મહેસાણાના સતલાસણા તાલુકાના મોટા કોઠાસણ ગામમાં અનુસૂચિત સમાજના યુવકને માર્યો માર। ગામના 7 યુવાનોએ માર્યો હતો માર। 2 આરોપીઓની કરાઈ ધરપકડ। 7માંથી 6 આરોપીઓ છે સગીર।
રાજકોટના જેતપુરમાં બુટલેગરે મહિલા પર કર્યો હુમલો. બુટલેગર વિરુદ્ધ પોલીસમાં અરજી આપતા અરજીનો ખાર નાખીને 10 જેટલા શખ્સોએ કર્યો હુમલો. હુમલામાં જાગૃત નાગરિકની પુત્રીને ઈજા, ઘાયલ યુવતી સારવાર હેઠળ. સુરતમાં લાંચ લેતા ટીઆરબી જવાનનો વીડિયો વાયરલ. અઠવા લાઇન ચોપાટી લાંચ લેતા ટીઆરબી જવાનનો વીડિયો વાયરલ. ફરિયાદ કરાયા બાદ પણ નથી લેવાયા કોઈ પગલાં. સુરતના ડુમ્બસ રોડ પર હિટ એન્ડ રનની ઘટના આવી સામે. કાર ચાલકે સાયકલ ચાલકને લીધો અડફેટે. અકસ્માતમાં સાયકલ ચાલકનું ઘટના સ્થળે જ મોત. કાર ચાલક બોની શાહની કરાઈ ધરપકડ, તો કાર ચાલક વિદ્યાર્થી હોવાનું આવ્યું સામે. તાપી વ્યારાના કાપડ બજાર વિસ્તારમાં જીપ ચાલકને આવ્યો હાર્ટ એટેક. અટેક આવતા વાહન ચાલકે જીપ પરથી ગુમાવ્યો કાબુ. બેકાબુ બનેલી જીપમાં દુકાનમાં ઘૂસી. તો 100 ખબરોમાં હાલ રોકાઈશું. વેલકમ બેક. તો 100 ખબરોમાં આગળ વાત કરીએ. સુરતના નાનપુરા વિસ્તારમાં લાગી આગ. નાનપુરા જૂની પોલીસ ચોકીમાં લાગી આગ. ફાયર વિભાગ દ્વારા આગ પર મેળવાયો કાબુ. અમદાવાદમાં એમટીએસ અને બીઆરટીએસના વધતા અકસ્માતને લઈને જાગ્યું મનપા તંત્ર. એમટીએસ બસના ડ્રાઈવર્સને તાલીમ આપવાનો લેવાયો નિર્ણય. ડ્રાઈવરોને 15 દિવસ સુધી રોજ 4 કલાક અપાશે તાલીમ. ચોટીલાના જીવાપરની જમીન મામલે એસીબીની તપાસ તેજ. અધિક નાયબ કલેક્ટર બાદ મામલતદાર એસીબીની ઝપેટમાં. કૌભાંડમાં મામલતદાર જેલ ધાડવી સામે નોંધાયો ગુનો. બનાસકાંઠાના થરાદમાં નર્મદા નિગમની કચેરી સામે ખેડૂતોના ધરણા. કડકડતી ઠંડીમાં પણ રાતભર બેસી રહ્યા ખેડૂતો. સરહદી વિસ્તારની નર્મદા કેનાલમાં પાણી છોડવા ખેડૂતોની માંગ. પાણી નહીં મળે તો આત્મવિલોપનની ચીમકી. પાણી વિના સુકાઈ રહ્યો છે પાક. થરાદમાં નર્મદા નિગમની કચેરી સામે ખેડૂતોના ધરણા. ધરણા પર બેઠેલા ખેડૂતની તબિયત લથડી. ખેડૂતને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડાયો. સરહદી વિસ્તારની કેનાલોમાં પાણી ન આવતા ધરણા. ઊંઝામાં ઉમિયા માતાના લક્ષચંડી યજ્ઞના અનુસંધાને સુરતમાં બાઇક રેલી યોજાઈ. વેસુથી વીઆઈપી રોડ સુધી બાઇક રેલી યોજીને ભાવિકોને યજ્ઞમાં આવવા આમંત્રણ અપાયું. વિપક્ષના નેતા પરેશ ધાનાણીનો વીડિયો વાયરલ. અમદાવાદના સિંધુભવન રોડ પર ટ્રાફિકને હળવો કરતા ધાનાણીનો વીડિયો વાયરલ. નેતા વિપક્ષ ધાનાણીએ કારમાંથી નીચે ઉતરીને ટ્રાફિકને કર્યો હળવો. બનાસકાંઠાની લવાણા ડેરીની આશાપુરા દૂધ મંડળીનો વિચિત્ર કિસ્સો. અંધશ્રદ્ધાના નામે કેટલાક પશુપાલકોનું દૂધ બંધ. 3 ખેડૂતોનું દૂધ ખરાબ આવતું હોવાનું કહીને બંધ કરાયું. દૂધ મંડળીના મંત્રીએ કહ્યું કે માતા રજા આપે તો દૂધ લઉં. અરવલ્લીના બાયડના સાઠંબા ગામમાં બંધનું એલાન. હિન્દુ સંગઠનોની રેડમાં ગૌમાંસ ઝડપાતા સાઠંબા ગામ સજ્જડ બંધ. ગૌહત્યા મુદ્દે 8 શખ્સો સામે નોંધાઈ ફરિયાદ. ગિરનાર તળેટી પર રોપવેનું પ્રાથમિક કામ થયું પૂર્ણ. રોપવેના ટાવરની કામગીરી થઈ શરૂ. ટાવરની કામગીરી 5 એપ્રિલ સુધીમાં પૂર્ણ થાય તેવું અનુમાન. ભારતીય રિયલ એસ્ટેટમાં મંદીને લઈને આરબીઆઈના પૂર્વ ગવર્નર રઘુરામ રાજને કરી ફરી સરકારને આપી ચેતવણી. કહ્યું કે રિયલ એસ્ટેટમાં આર્થિક સુસ્તીના કારણે ઘણો દબાવ છે. જો સરકાર તાત્કાલિક પગલાં નહીં લે તો અંજામ ખૂબ જ ખરાબ આવશે. 25 રાજકીય પક્ષોની આવકમાં 251% વધારો. એડીઆરના રિપોર્ટમાં થયો ખુલાસો. એક વર્ષમાં આવક 329 કરોડથી વધીને 1155 કરોડ થઈ. બીજેડી, ટીએમસી અને ટીઆરએસ દ્વારા સૌથી વધુ આવક દર્શાવાઈ. કર્ણાટક વિધાનસભાની 15 બેઠક પર પેટાચૂંટણીનું સોમવારે આવશે પરિણામ. 5 ડિસેમ્બરે થયેલી ચૂંટણીના સોમવારે પરિણામ થશે જાહેર. 15 બેઠકો પર 67.91% થયું હતું મતદાન. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના નેતા સાધ્વી પ્રાચીના ફરી એકવાર વિવાદિત બોલ. કહ્યું કે નક્સલવાદ, આતંકવાદ અને દુષ્કર્મની ઘટનાઓ પાછળ નહેરુ પરિવાર જવાબદાર. નહેરુએ રામ અને કૃષ્ણની સંસ્કૃતિને બરબાદ કરી. દિલ્હીના સીએમ કેજરીવાલે ભાજપ પર સાધ્યું નિશાન. કહ્યું કે દિલ્હી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં આપનો નારો હશે અબ કી બાર 67 ને પાર, જ્યારે ભાજપનો નારો હશે અબ કી બાર 3 પાર. 2015ની ચૂંટણીમાં ભાજપને 3 સીટો જ મળી હતી. તો 100 ખબરોમાં હાલ સમય થયો છે બ્રેકનો. લઈએ એક બ્રેક. બેક. તો 100 ખબરોમાં આગળ વાત કરીએ.
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला विरुद्ध एसआईटी की रचना, सुरजेवाला पर करोड़ों रूपया कौभाड नो आरोप, कौभाड की फरियाद पर वीजे आप्या तपासना आदेश। डूंगळीना वधता भावोथी देशनी जनता परेशान, मदुराई में 200 रूपया प्रति किलो ए पहोंच्या डूंगळीना भाव, बेंगलुरु में पण डूंगळी 200 रूपये किलो। कौभांडी नीरव मोदी नो झटको, सरकार वेची शके छे संपत्ति, आरोपी नीरव मोदी की संपत्ति जप्त करी तेनी हराजी करवाने लेने कोर्ट में अरजी दाखिल करी छे, कोर्टे नीरव मोदी ने भागेड़ू जाहिर कर्यो छे। चंद्रयान बे बाद इसरोए चंद्रयान त्रण मिशन की शुरू करी तैयारी, इसरोए चंद्रयान त्रण माटे केंद्र सरकार पासे मांग्या 75 करोड़ रूपया, 60 करोड़ मशीनरी उपकरण और बीजा खर्चा माटे अने 15 करोड़ रेवेन्यू खर्च माटे मांग्या, केंद्र सरकार तरफ से इसरो ने रूपया आपवानुं आश्वासन। ब्रिटनना पीएम बोरिस जॉनसनु महत्वनु निवेदन, ब्रिटन में रहता भारतीयों माटे महत्वनु निवेदन, ब्रिटन में सक्रिय भारत विरोधियों पर आप्यु निवेदन, कहूं कि भारतीय समुदाय की करीशु रक्षा, भारतीय समुदाय साथे कोई भेदभाव नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने झटको, उत्तर कोरियाए रद्द कर्यो अमेरिका साथेनो परमाणु करार, किम जोंगे कहूं कि अमेरिका साथ लांबी बातों करने की जरूर नहीं और परमाणु मुक्त नो मुद्दों पहला फगावी देवायो छे। जियो यूजर्स ने मोटी राहत, रिलायंस जियो 149 और 98 की योजनाओं फरीथी करी लॉन्च, कंपनीए आ बन्ने प्लान ने बंद कर दीधा था। आज भारत वेस्ट इंडीज वच्चे बीजी T20 मैच सीरीज पर कब्जो मेळववा भारतीय टीम उतरशे मैदाने, त्रण मैचनी सीरीज में भारत 1-0 थी आगळ। अजय देवगण और सिद्धार्थ मल्होत्रा की कॉमेडी फिल्म में रकुलप्रीत सिंह की एंट्री, फिल्म में रकुलप्रीत सिंह सिद्धार्थ मल्होत्रा की प्रेमिका पात्र में जोवा मळशे, आ फिल्म की साथ रकुल अर्जुन कपूर की फिल्म में और जॉन अब्राहम की एक फिल्म में जोवा मळशे। थ्री इडियट्स फेम मोना सिंह टूंक समय में प्रभुता में पगला मांडशे, साउथना इन्वेस्टमेंट बैंकर साथ लग्न करशे, फिल्म थ्री इडियट्स में करीना कपूर ने मोटी बहनु पात्र भजव्यु हतु। आलिया भट्टनु लेटेस्ट फोटोशूट वायरल, आलिया भट्टनी आ तस्वीरों फैन्स ने आवी पसंद, जो कि केटलाक फैन्स ने आ फोटोशूट थी परेशानी। सलमान खान साथे वरुण धवनु कनेक्शन, दबंग साथे रिलीज थशे स्ट्रीट डांसर 3D नु ट्रेलर, आ ट्रेलर ने 18 डिसेम्बरे रिलीज करवामां आवशे, आ फिल्म 24 जान्युआरीए रिलीज थशे। याद पिया की आने लगी गीतना रिमिक्स यूट्यूब पर मचावी धमाल, यूट्यूब पर व्यूज नो आंकड़ो 100 मिलियन ने पार, तनिष्क बगची ए सॉन्ग नु रिक्रिएशन कर्यु छे, जारे नेहा कक्कड़े गायु छे गीत। अर्जुन कपूर अभिनीत फिल्म पानीपत नु दमदार प्रदर्शन, रिलीज ना बीजा दिवसे कमाया 6 करोड़ रूपया, दर्शकों कर्या फिल्म ना भरपेट वखाण। जैसलमेर शूटिंग सेट पर थी आमिर खान नो नव लुक वायरल, आमिर फिल्म लालसी चड्ढा नु करी रह्यो छे शूटिंग, लालसी चड्ढा 1994 में आवेली क्लासिक हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंपनी से रिमेक, फिल्म में आमिर उपरांत करीना कपूर से लीड रोल में। तो 100 खबरों में हलबस आटलू ज रजा आपशो, नमस्कार।